नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। बिहार में अधिकारियों के लिए बुरी खबर, जमीन का पैसा वसूलेगी सरकार, लापरवाह अफसरों पर गिरेगी गाज। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पटना में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, एग्जाम में फेल होने पर किया हंगामा, ओपीडी सेवा ठप। बिहार के 6 जिलों में कोरोना के 12 नए मरीज मिले, पटना में सबसे अधिक मरीज। बिहार में आपदा की ग्राउंड रियलिटी जानेंगे जिलों के प्रभारी मंत्री, सरकार को देंगे डिटेल रिपोर्ट। पटना से अब 4 बड़े शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू, 50 जोड़ी विमानों का नया शेड्यूल जारी। हेरा फेरी से परेशान नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, ऑडिट के नए तरीके से घोटालेबाजों पर कसेगी नकेल। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तैनात अधिकारियों के लिए बुरी खबर है। नीतीश सरकार उनसे जमीन की कीमत वसूलने की तैयारी में है, ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जिनके संरक्षण में लापरवाही बरती गई है और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन के संरक्षण में लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा, पहले उनकी पहचान कर जांच होगी और फिर दोष पाए जाने वाले ऐसे अधिकारियों से उस सरकारी जमीन की कीमत वसूली जाएगी जो उनकी लापरवाही से सरकार के हाथ से निकल गई है। इसके लिए सरकार लिस्ट भी तैयार कर रही है। दरअसल ये पूरी तैयारी सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में व्यवहार न्यायालयों के एक तरफा फैसले को लेकर हो रही है, जिससे सरकार को काफी नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि व्यवहार न्यायालय के फैसलों से तंग आकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दोषी अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रही है। गौरतलब हो कि सरकारी जमीन पर कब्जे पर मालिकाना हक को लेकर न्यायालयों में मामला चलता है। ऐसे केस में सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेवारी राजस्व विभाग की होती है, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत से गायब रहने के कारण अधिकारी सरकार का पक्ष नहीं रखते हैं और सुनवाई में दूसरे पक्ष की गैर हाजिरी के आधार पर अदालतें एक पक्षीय आदेश दे देती है। इस तरह सरकार को भारी नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई अब दोषी अधिकारी ही करेंगे, उन्हें ही सरकार के नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। वायरल और स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद इसे लेकर सीएम ने कई निर्देश भी दिए हैं। सीएम नीतीश ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने और अस्पतालों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रखने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं आम लोगों से यह भी अपील की गई है कि वे मास्क का प्रयोग जरूर करें, यह कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ अन्य वायरल बीमारियों से बचाव में भी उपयोगी है। पटना में आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी के MBBS फर्स्ट ईयर के छात्रों ने सभी OPD सेवा बंद कर दी है। दरअसल छात्र यूनिवर्सिटी की ओर से जारी रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में 35 से 40% छात्रों को फेल कर दिया गया है। PMCH में 180 में से 25 छात्र फेल हो गए हैं। इसी तरह सभी जगह का रिजल्ट दिया गया है। इसके अलावा छात्रों का कहना है कि PMCH कैंपस में स्थापित सेंट्रल लाइब्रेरी छात्रों के पढ़ने के लिए एकमात्र जगह है, जहां सभी तरह की व्यवस्थाएं मौजूद है, लेकिन कॉलेज ने संसाधन पूरा नहीं रहने की बात कहकर उसे भी बंद कर दिया है। दरअसल आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से MBBS फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 30 अगस्त को जारी किया गया था। रिजल्ट में कई स्तरों पर गलती पाई गई है। छात्रों का आरोप है कि ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न को सही करने के बावजूद उसमें 0 दिया गया है। इसी तरह दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ठीक करने के बाद भी मार्क्स नहीं दिए गए हैं। रिजल्ट की वजह से छात्रों में काफी आक्रोश है। कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें 1 नंबर से फेल कर दिया गया है। छात्रों ने पहले OPD को बंद करवा दिया, अब प्रिंसिपल कक्ष के सामने आकर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें इस तरह के गलत रिजल्ट जारी न किए जाएं। बिहार के 6 जिलों में कोरोना के कुल 12 मामले सामने आए हैं। पटना में सबसे अधिक 7 मरीज मिले हैं, जबकि कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, पूर्णिया और समस्तीपुर में 1-1 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 32 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के आधार पर यह आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटे में 163,429 सैंपल की कोरोना जांच हुई। राज्य भर में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.65% दर्ज की गई है। वर्तमान में राज्य में कोरोना के 73 सक्रिय मरीज इलाजरत हैं।
बिहार में बाढ़ और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र के सामने जो मांग रखी है उसे देखते हुए अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिले में 14 और 15 सितंबर को दौरा करेंगे और वहां के आपदा की स्थिति का जायजा लेंगे। जिलों की समीक्षा के बाद जो हालात होंगे उसकी रिपोर्ट सरकार को देंगे। नीतीश सरकार इसे लेकर शुक्रवार को आदेश जारी करेगी। आपको बता दें कि 8 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से पैदा हुई स्थिति और राहत कार्य की समीक्षा बैठक की थी और बैठक में ही यह निर्देश दिया था। इसी के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि राज्य के अधिकतर क्षेत्रों के बाढ़, अधिक बारिश, ओलावृष्टि और अन्य आपदाओं से प्रभावित होने की सूचना है। ऐसे में सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। जिले के आपदा की स्थिति, नुकसान और प्रभावित लोगों से संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट जल्द विभाग को देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष इस रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। इस बारे में सूचना सभी विभागों के मंत्रियों के प्राप्त सचिवों को विभाग की तरफ से दे दी गई है। कोरोना महामारी के बाद जिन शहरों के लिए पटना से डायरेक्ट फ्लाइट बंद कर दी गई थी, अब वहां के लिए दोबारा से विमान सेवाओं की शुरुआत होगी। पटना एयरपोर्ट से 50 जोड़ी यानी कि 100 विमानों के ऑपरेशन का शेड्यूल जारी किया गया है। यह विंटर शेड्यूल तक प्रभावी रहेगा। कोरोना के बाद पहली बार पटना से 100 विमानों का शेड्यूल जारी किया गया है। नए शेड्यूल में 4 जोड़ी विमानों की तादाद अधिक हो गई है। इनमें एक एक फ्लाइट पटना से गुवाहाटी, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए बढ़ी है, जबकि एक फ्लाइट सूरत पटना मुंबई सेक्टर की है। पटना से अब पहली फ्लाइट स्पाइसजेट की है, जो अमृतसर पटना आने के बाद 7:50 पे गुवाहाटी के लिए रवाना होगी। दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट जो गो एयर की है, सुबह 8:30 है। पहले यही पटना से पहली फ्लाइट थी। नए शेड्यूल में अब दिल्ली के लिए पहले की तरह 16 फ्लाइट है। पहली फ्लाइट गो एयर की सुबह 8:30 में, जबकि दिल्ली के लिए आखिरी फ्लाइट स्पाइस जेट की जो रात 9:30 है। बिहार में वित्तीय गड़बड़ी के बड़े और छोटे मामले लगातार सामने आते रहते हैं। सरकार भले ही सुशासन के लाख दावे कर ले, लेकिन घोटालेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। यही वजह है कि नीतीश सरकार ने अब घोटालेबाजों पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला किया है। आने वाले दिनों में बिहार के अंदर घोटालों को दबाना या घोटालेबाजों को बचाना आसान नहीं होगा। सरकार ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। अब ऑडिट के स्वरूप में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बिहार में अब 11 तरह की ऑडिट कराई जाएगी। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा कि बिहार में अंकेक्षण संहिता यानी कि ऑडिट के लिए नया मैनुअल लागू किया जाएगा। इसका स्वरूप तैयार कर लिया गया है। राज्य सरकार ने 11 तरह के ऑडिट का प्रावधान इस नए ड्राफ्ट में किया है। सरकार के सूत्रों की माने तो कैबिनेट में जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। सीएजी की रिपोर्ट में लगातार कई तरह की वित्तीय गड़बड़ी समेत अन्य तरह के मामले सामने आते रहते हैं। इन सभी पर इस नई ऑडिट पॉलिसी से लगाम लग पाएगी। बिहार में खतरनाक वायरस H1N1 का संक्रमण पटना में फैलने लगा है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद स्वाइन फ्लू ने राजधानी पटना में दस्तक दी है। पारस हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू से एक संक्रमित मरीज की शुक्रवार की दोपहर मौत हो गई है। मृतक की पहचान फुलवारी शरीफ के बिरला कॉलोनी के रहने वाले 58 वर्षीय अरविंद के रूप में हुई है। बताया जाता है कि 4 सितंबर को उन्हें राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वहीं पारस में ही स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों का इलाज जारी है। खतरनाक वायरस H1N1 की चपेट में आए और भी कई मरीज पारस हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंचे हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ ने संक्रमण की पुष्टि कर दी है। स्वाइन फ्लू के H1N1 वायरस की पुष्टि से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने माननीय मंत्री और विधायक को चुनाव क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी है। आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य निर्वाचन आयोग यह प्रतिबंध लगाया है। अब सरकारी कार्यक्रमों के तहत माननीय सिर्फ शहरी क्षेत्रों या क्षेत्रीय सरकारी कार्यालयों तक ही जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत माननीयों को चुनाव क्षेत्रों में जाने को लेकर कई प्रतिबंध लगाए हैं। आयोग के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा की जाने वाली सरकारी यात्रा और चुनावी यात्रा बिल्कुल अलग अलग होगी। एक साथ सरकारी और चुनावी यात्रा नहीं किया जा सकेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि जब केंद्र अथवा राज्य सरकार के मंत्री जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के अन्य कार्यालयों तक सरकारी कार्यों के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करते हो और उसके बाद चुनाव कार्य के लिए स्थानीय द्वारा
किसी निजी वाहन से करते हो तब माननीय के इस पूरे दौरे को चुनाव कार्य माना जाएगा। किसी भी परिस्थिति में सरकारी और चुनावी यात्रा एक साथ करने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। मतदान केंद्र हो या मतगणना केंद्र, दोनों ही जगहों पर वे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब माननीय को मताधिकार का प्रयोग करना हो तो वे मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। इस दौरान वे सरकारी सुरक्षा बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा बल को अपने साथ मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करा सकते हैं। वायरल बुखार के तप के बाद बिहार में अब डायरिया का प्रकोप भी जानलेवा हो गया है। पटना के खासपुर और शेरपुर बगही गांव में लगातार डायरिया से बच्चे बीमार हो रहे हैं। शुक्रवार को डायरिया पीड़ित 2 साल के बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार खासपुर के वार्ड संख्या 5 निवासी महेंद्र राय के 2 वर्षीय बेटे लड्डू को डायरिया की शिकायत थी। तबियत बिगड़ता देखकर परिवार के लोगों ने बच्चे को इलाज के लिए पास के एक ग्रामीण चिकित्सक के पास भर्ती कराया। दवा देने के बावजूद तबियत बिगड़ती चली गई। आनन फानन में परिजनों ने उसे दानापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सक ने बच्चे की स्थिति को गंभीर बताते हुए पटना रेफर कर दिया। पटना ले जाने के क्रम में बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई। बताया जाता है कि खासपुर और शेरपुर बगही गांव में प्रदूषित पानी के कारण डायरिया का मामला बढ़ गया है। कई बच्चे उसकी चपेट में आ गए हैं। लोगों का कहना है कि जलजमाव से डायरिया पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।